अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माई कुकिंग चैनल। आज मैं आपको बनाने से सिखाने लगी हूँ बटर चिकन। इसके लिए मैंने हाफ के जी बोनलेस लिए। अब मैं इसको छोटे पीसेस कर दूँगी क्यूब्स की सूरत में। अच्छा, मैं इसको डिवाइड कर लिया और उसके बाद मैं इसको इस तरीके से सबसे पहले मैं इसकी ये जो वाइट पार्ट्स हैं ना, इनको क्लीन करूँगी और ये जो आप ब्लड क्लॉट्स देख रहे हैं इनको मस्त निकाला करें। ये किसी भी तरीके से हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। इस तरीके से मैंने साफ करने के बाद इसके क्यूब्स बनाने शुरू किए हैं। पहले नहीं आ रही थी, मैंने वो ऊंची कर दी ना, कि मिली आ रही। लेटे में कैसे पिएंगी अब? मैंने बोनलेस इसके अंदर डाल दिया। हाँ, फर्स्ट मैरिनेशन में टू टाइप्स की मैरिनेशन होगी। फर्स्ट के लिए मैंने इसके अंदर आधा स्पून जो है लाल मिर्चों का डाला है और हाफ स्पून मैं इसके अंदर डालूंगी लेमन, फ्रेश लेमन का। और 1 टेबल स्पून में इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल, उसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसको तकरीबन 10 मिनट्स के लिए मैंने इसमें मैरिनेट करने और फिर सेकंड मैरिनेशन करना। जी, अब सेकंड मैरिनेशन का टाइम आया है। इसके लिए मैंने चॉप 1 टेबल स्पून लहसुन, चॉप 1 टेबल स्पून अदरक लिया, इसको मिक्स करके बोनलेस जो हमने चिकन किया था डाला। अब इसके बाद इसके अंदर मैं हाफ टी स्पून डालूंगी हल्दी, 1 स्पून नमक, 1/2 स्पून गरम मसाला और क्रश किया हुआ सूखा धनिया, और उसके अलावा इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ ये शान का तंदूरी चिकन मसाला। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। चिकन टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला सेम चीज़ है। अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून ये ले रही हूँ और दही मैंने ली है रूम टेम्परेचर पे फेंटी हुई ऑलरेडी, उसको अच्छे से मिक्स करें।
देन उसके बाद फिर मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करूँगा, मिक्स करके इसके अंदर टू टेबल स्पून इसके अंदर मैं केचप डालूंगी। और इसको अब मैं मज़ीद 20 मिनट्स के लिए मैरिनेट कर लूँगी। और अगर आप चाहें 20 मिनट से ज़्यादा भी कर सके, जितनी ज़्यादा देर करेंगे उतना टेस्ट और उनका फ्लेवर जो होता है अच्छे से डेवलप हो जाता है, बट एटलीस्ट 20 मिनट्स की मज़ीद मैरिनेशन मस्ट है। अब हम इसको प्याज को स्पाइसी सॉस में कर लेंगे। इसको हम मैं स्पाइसी सॉस में कट कर जी। अब हम मैं स्टार्ट करने लगी हूँ सालन, इसको आप सॉस भी कह सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले 3 टेबलस्पून ऑयल डाला, आप जितना आपको बल्कि एक और डाल दिए, जितना आपका रिक्वायर है आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। उसके साथ इसके अंदर मैं बटर डालूंगी, क्योंकि ये बटर बटर चिकन है, इतना मैंने इस पर भी बटर लिया। बाकी हम एंड पे सर्विंग के टाइम पर डालेंगे। ये हमारा बटर हो गया, तो अब इसके अंदर मैंने दालचीनी, इलायची, इलायची डाली है, और इसके साथ इसके अंदर मैं थोड़ी ये डाल दूँ प्याज, 2 प्याज मैंने स्लाइस की जरूरत में किया। प्याज़ों को आपने हल्का सा पिंक करना है, लेकिन इनको डार्क गोल्डन नहीं करना। क्योंकि हमने बटर चिकन की सॉस को ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। अब मैं इसके अंदर ये आप कलर देख ले, मैंने इसको ज़्यादा पिंक इस तरह का कलर किया। और अब मैं इसमें अदरक लहसुन की जो मैंने ग्रेट किया था वो डाल दिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून। अब इसको मैं इसके साथ हल्का सा भून लूँगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। उसे मैंने आप टेस्ट किया। और अब इसके साथ ही मैं इसमें टमाटर 4 चॉप किए हैं, 4 टमाटरों को चॉप किया, वो मैं इसके अंदर डाल। उसको हम अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालूंगी और इसको मज़ीद और भून लूँगी। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें भी सॉस में भी डाली है जो हमारा सालन बनता है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये कि मैं इसको ब्लेंडराइज करूँगी। इसके लिए मैं इसको पहले प्लेट में निकाल रही हूँ, क्योंकि हमें बिल्कुल बटर चिकन बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह की चाहिए। क्योंकि मेरी कोशिश होती है आप सबको सिखाने की कि आप घर में खाना बनाएं, लेकिन बिल्कुल जैसे कि बाहर मिलते रेस्टोरेंट्स में। इसके लिए मैं इसको निकालूंगी और 5 मिनट्स थोड़ा ठंडा करके इसको ब्लेंडराइज करूंगी।
काम कर सकती हैं, चावल भिगो देंगे जितने हम खा लें, तीन ग्लास ही कर लें। बच गए तो दोपहर में काम आ जाएगा। मेरे को फ्रेश क्रीम की जगह मलाई है घर में, हाँ जी वो भी डाली जा सकती है ना। सॉस बनाई है, मतलब इसको ब्लेंड राइस जो उसको किया मैंने, मसाले को सारा मैं इसमें डाल दूँगी। इसको बस थोड़ा सा और मैंने कर लिया, और जितना हमने मैरिनेशन में तेल यूज़ किया था उसको भी मैं इसमें डालूँगी। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा डार्क किया था ताकि ग्रेवी अच्छी प्रॉपर हमारी ये बन सके। ये देख लें, ये हमारा बटर चिकन रेडी हो गया। अब वो बटर चिकन में इस ये जो हमने सॉस बनाई है इसके अंदर मैं डाल दूँगी। इसको तकरीबन मैं ढक के 5 मिनट के लिए रखूँगी और ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये हमारा खाना रेडी हो गया है और मैं इसको सर्व करने के लिए निकाल लेता हूँ। ये हमारा चिकन रेडी हो चुका है, बटर चिकन ये देखिए ऐसे, और सिंगल सर्विंग को आप ऐसे भी प्लेट में डेकोरेट करके भी सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई होप कि आपको मेरी सिंपल सी लेकिन बहुत ही यमी सी रेसिपी अच्छी लगे होगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। इंशाल्लाह तब तक अल्लाह हाफ़िज़।